आओ सुने अच्छी बातें। मिट्टी ने की तो ईंट बनी, ईंट ने की तो दीवार बनी, और दीवार ने की तो घर बना। ये सब बेजान चीज़ें हैं, अगर ये एक होकर घर बना सकते हैं। हम तो इस संसार में इंसान हैं, क्या नहीं कर सकते। संसार में रहकर हर संबंधों की जिम्मेदारी को बिना कामनाओं के निभाते हुए ईश्वर की याद में रहना ही जीवन मुक्ति कहलाता है। अगर लोग समय पर आपको याद करते हैं, जरूरत समय पर आपको याद करते हैं, तो सोचिए जरूरत अंधेरे में रोशनी की जरूरत होती है। हमारे द्वारा की गई मेहनत का फल और सामने आई हुई समस्या का हल देर सही सही पर मिलेगा जरूर। बस थोड़ा धैर्य रखिए। जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वो सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सके। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करें। हमारा विचार हमारे जीवन को संवारता है, तो सोचिए हमारे विचार कैसे होना चाहिए। परिवार में एक दो के कार्य की प्रशंसा करें, सहयोग करें, यही परिवार में सुखमय बनाने का आधार है। बार बार घर के सभी सदस्यों को आत्मा रूप से देखें, संकल्प करें, ये सभी महान आत्माएं हैं। जब हमारी दृष्टिकोण बदलेगा तब हम दूसरों को और अपने जीवन को सुखमय बना सकेंगे, क्योंकि जैसे चश्मा पहनते हैं वैसे सामने का नज़ारा दिखाई देता है। स्वास्थ्य उनका अच्छा होता है जो स्वयं के असली स्वरूप में स्थित रहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। स्वभाव रखना है तो उस दिए की तरह रखना है, क्योंकि बादशाह के महल में भी उतनी रोशनी देता है जितनी गरीबों की झोपड़े में देता है। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें, लेकिन कर्म ना छोड़ें। कर्म करें श्रेष्ठ। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका प्रतिफल ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। समय आता है, समय चला जाता है, रह जाते हैं कुछ यादें। यादों को बना लो तस्वीर, जो जिंदगी में हर समय आपकी कदर करेगी। निद्रा जीवन के लिए अति आवश्यक है। हम अपने समय को व्यर्थ ना गवाएं। समय व्यर्थ जाता है तो संसार में अनेक प्रकार की दुर्भावनाएं पैदा होती है। मन को हमेशा तंदुरुस्त रखने की 3 बार 3 मिनट अपने मन को शांत करके 3 मिनट के लिए शांत हो जाएं। सर्व कामनाएं और इच्छाओं को अपने बस में रखें और उससे बचने के लिए सरल विधि है अपने स्वरूप में टिक जाना। ईश्वर की याद का आधार है ईश्वर का ज्ञान। तो ज्ञान से हमारे जीवन रोशन हो जाता है, जो दूसरों को हम रोशनी पहुंचा सकते हैं। नज़र रखो अपने विचार पर, क्योंकि वे शब्द बनते हैं। नज़र रखो अपने शब्द पर, क्योंकि वो कार्य बनते हैं। नज़र रखो अपने कार्य पर, क्योंकि वो स्वभाव बनते हैं। और नज़र रखो अपने स्वभाव पर, क्योंकि आदत बनते हैं। नज़र रखो अपनी आदत पर, क्योंकि वह चरित्र बनते हैं। नज़र रखो अपने चरित्र पर, क्योंकि उससे जीवन आदर्श बनता है। तनाव के एक और कारण भी होता है जीवन में अपनी भावनाओं को नकारात्मक से हमें मुक्त रखना, नहीं तो तनाव बढ़ता जाएगा। शहरों में, गलियों में, गांवों में
सदा स्वच्छ और साफ रखें, क्योंकि इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसी तरीके से मन में निरंतर शुद्ध विचार का संकल्प उत्पन्न करें और आनंद ले। अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने कहा, तुम भाग्यशाली हो। सुख ने कहा, तुम भाग्यशाली हो। दुख ने पूछा, क्यों? सुख ने कहा, तुम नहीं होते तो मुझे कोई नहीं पूछता। मन के कामनाओं के बंधन से बांध देता है, लेकिन हमेशा उसे स्नेह और सत्कार से उसको भस्म कर दें। जिसे अच्छी बात करना आ जाता है, उसे वो एक दिन अच्छा ही बन जाता है। इसीलिए जितना हो सके केवल अच्छी बातों का ही लेन देन करें। अनुभव कहता है कि जब आप परमात्मा ज्ञान व शक्तियों को केवल स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, तो यह खजाना धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि ईश्वर केवल आपके लिए नहीं संपूर्ण संसार के उत्थान के लिए अवतरित हुआ है। इसीलिए सबको बांटें, सबको देते रहें और दाता बनें।